हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें UG प्रोग्राम्स के लिए आप लोग किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे CUET, और यहाँ जो है सो CUET पे क्लिक करके आप यहाँ आएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन है CUET UG 2022, तो इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके सामने जब आ जाएगा तो यहाँ है दो ऑप्शन, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, तो आप लोग रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा इंस्ट्रक्शन जो है उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ नीचे आके इस पर टिक करेंगे, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड सो ऑन, ये जो लिखा हुआ है, और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आप यहां आगे आ जाएंगे और यहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने आ गया है, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, और उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है, मदर्स नेम, गार्जियन का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा आप, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप में आप पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो आपके पास हो वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वोटर आईडी देने वाला हूँ, ठीक है, वोटर आईडी दे देंगे, उसका नंबर जो होगा वो देंगे, प्रेजेंट एड्रेस, कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर ज़ीरो के बिना, कंट्री कोड के बिना ही डालना है मोबाइल नंबर, ठीक है, ज़ीरो नहीं लगाना है या कंट्री कोड नहीं लगाना, जैसे इंडिया का +91 है वो नहीं लगाना, एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, क्लिक इफ़ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो हो गया। अब पासवर्ड हम लोगों को चुनना है, तो पासवर्ड में जो है, पासवर्ड का क्राइटेरिया क्या है, 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर चाहिए, एक कैपिटल लेटर में चाहिए, एक स्मॉल लेटर में चाहिए और एक नंबर चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है test@123। सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है आप लोगों को, तो कोई भी इसमें से चुन सकते हैं, जैसे आपका फेवरेट बुक या स्कूल पहला, तो मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर आप भूल जाएं अपना पासवर्ड वगैरह तो इस तरह से आप ला सकते हैं। अब सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया गया है उसको यहाँ हम लोग फिल करेंगे, सिक्योरिटी पिन में YBXXJ, और ये हो जाने के बाद अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये आ गया हमारे सामने, ठीक है, पूरा जो जो हमने डिटेल भरा था ये हम लोग एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आके जो जो चीज़ हम भरे हैं वो सारा चीज़ अगर सही होगा तो सब पे टिक करते चलेंगे, और सब पे टिक करने के बाद है ना, अगर कुछ गलती होगा तो EDIT रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके फिर से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ फिर से एक बार ऑप्शन आएगा, प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स, अब हमने सब सही है चेक कर लिया है, अगर आपका कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग कैंसिल करके यहाँ EDIT इन्फॉर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे जाके
फिर से आप लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारा सब कुछ सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक OTP आएगा, जो नंबर हमने दिया था उस पर एक OTP आएगा। OTP आ गया है, OTP हम लोग यहाँ डालेंगे, ठीक है। OTP यहाँ डाल देते हैं और ये सिक्योरिटी पिन डालना है यहाँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी बाद में वेरीफाई करने में फिर से प्रॉब्लम होगा, और इसलिए जो है सो हम लोग पहले ही वेरीफाई कर लेते हैं ईमेल आईडी। तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल आईडी पे, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालेंगे। और ये वेरीफाई बटन पे क्लिक, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है, तो नंबर ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ देखिए आपका एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स जो हमने भरा था वो है जनरल OBC SC ST EWS, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो हम जनरल कैटेगरी से जो बच्चे का भर रहे हैं वो बिलोंग करता है, तो उसको जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप PWD हैं तो यस, और नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन जो भी होगा इसमें से मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, ये जो भी होगा, कुछ नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मदर का क्वालिफिकेशन क्या है वो, उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ नहीं होगा तो अदर में होगा या फिर हाउसवाइफ होंगी, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गार्जियन नेम देने की ज़रूरत है नहीं, अगर देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। फैमिली इनकम आप दे सकते हैं, उसके बाद क्या आप ट्विन हैं यानी जुड़वा हैं, तो नहीं है तो नो, ठीक है। यस अगर होंगे तो यस कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट, उसके बाद डायबिटिक हैं तो यस, नहीं है तो नो। आप अर्बन एरिया में रहते हैं कि रूरल एरिया में, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं UG प्रोग्राम्स में, जो आपका टेस्ट देने के लिए, एडमिशन के लिए जो टेस्ट देने वाले हैं उसका प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लेना। सेल्फ इंडिविजुअल ट्यूशन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग में आप हैं, या फिर बहुत सारा जो भी ऑप्शन है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस मीडियम से आप पढ़ रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, ये प्रेजेंट एड्रेस जो है वो पहले से ही फिलअप है, और सेम एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम ही है, तो वो पहले से फिल किया हुआ है। पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं आप, यस तो हाँ, नहीं तो नो, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, यस नो कर लीजिएगा। NCC कोटा में है या स्पोर्ट्स कोटा में है, तो उसके हिसाब से आप यस नो कर लीजिएगा। अब सेव बटन पर क्लिक करना है, ये चीज़ें जो हमने फिल की हैं वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, ये जो जो हम लोग भरे हैं उसको दिखा रहा है। अगर इसमें कुछ गलती होगा तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं अपडेट पर्सनल फॉर्म में जाके, ठीक है। अगर सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल्स हम लोग को फिल करना है, इसमें 10th या उसके इक्विवेलेंट जो एजुकेशनल डिटेल है उसको फिल करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट पास्ट हैं, पास्ट में सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th या उसके इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है, स्कूल आप कौन से एरिया में किए हैं, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्कूल का टाइप क्या है, तो स्कूल का टाइप गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल। उसके बाद क्वालिफाइंग कंट्री, उसके बाद स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर बोर्ड का नाम, उसके बाद स्कूल का नाम और एड्रेस, पिन कोड, उसके बाद रोल नंबर,
रिजल्ट परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स इतना का एग्ज़ाम होगा वो कितना आया आपको, वो परसेंटेज में कन्वर्ट अपने आप हो जाएगा। फिर ट्वेल्थ एग्ज़ाम या उसके इक्विवेलेंट जो है सो उसका डिटेल्स भरना है, पास्ट है तो पास्ट, पासिंग ईयर कौन सा एग्ज़ाम है ट्वेल्थ और उसके इक्विवेलेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल कहाँ की है, अर्बन टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, क्वालिफाइंग कंट्री, क्वालिफाइंग स्टेट, क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, एग्ज़ाम जहाँ से आप दिए हैं, जहाँ आपका स्कूल है, वो सारा सिलेक्ट करते चलना है। जिस तरह से हम लोग टेंथ वाला सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। ये जो हमने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स जो है सो फिल किया है टेंथ और ट्वेल्थ का, तो उसमें जो है आप देख लीजिएगा, जो गलत होगा तो उसको आप अपडेट एजुकेशनल फॉर्म पे जाके फिर से सही कर सकते हैं, और अगर सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद इस तरह से आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन है यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में कम से कम आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें और अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो हम मानू में करने जा रहे हैं, तो मानू सेलेक्ट कर लेते हैं। और प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स, जीएमसी, बीकॉम, ये सारा प्रोग्राम्स जो मानू ऑफ़र करेगी, यूजी प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है सीयूईटी के ज़रिए, वो सारा ऑप्शन आ चुके हैं हमारे सामने, है ना। तो उसमें बीटेक भी है, और ये सारा जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, जो भी कोर्सेज, ये सारा है। तो हम लोग बीएससी सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ये ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोग्राम ऐड हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ देखिए प्रोग्राम नाम, ठीक है। अगर आप रिमूव करना चाहें गलती से अगर आपका सेलेक्ट हुआ हो तो रिमूव बटन पे क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम ऐड करना चाहें तो आप जो है सो ऐड बटन पे हम लोग फिर क्लिक करके करेंगे। अब यूनिवर्सिटी का नाम फिर से सेलेक्ट करना होगा, सेम यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, और प्रोग्राम आप अलग दूसरा चाहिए, जैसे बीटेक चाहिए तो बीटेक पे क्लिक करके और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया, है ना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं प्रोग्राम तो और प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, इस तरह से कई प्रोग्राम्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, ये आप लोग देख सकते हैं, अगर अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पे क्लिक करके और भी यूनिवर्सिटी आप जोड़ सकते हैं, ये घटा सकते हैं, हटा सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को भी आप जोड़ सकते हैं अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पे क्लिक करके, और नहीं तो अगर सही है ठीक है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, यहाँ आप लोगों को सिलेक्शन टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट, तो इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो हम मानो से भर रहे हैं और हमने बीएससी और बीटेक दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ फर्स्ट स्लॉट में हम लोग उर्दू चुनेंगे, ठीक है, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन वन उर्दू चुनेंगे, और उसके बाद ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू ये भी नॉट एप्लीकेबल, और जनरल टेस्ट सिलेक्शन में हम यस करेंगे। अगर हम बीएससी या बीए जो भी है कोर्सेज बीटेक को छोड़ के उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्लॉट में आप लोग को ये सिलेक्ट करना है, और सेकंड स्लॉट में अगर आप सिर्फ बीए बीएससी यानी बीटेक को छोड़ के मानो मैं कोई भी कोर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको बस फर्स्ट स्लॉट में ही सिलेक्ट करना है, बाकी सेकंड स्लॉट में सब में नॉट एप्लीकेबल करके आगे आप लोगों को बढ़ जाना है, ठीक है। और अगर आप बीए बीएससी ये जो है कोर्सेज इसके साथ साथ बीटेक उसमें भी अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप फर्स्ट स्लॉट में यही भरिएगा, सेकंड स्लॉट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पहला नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, क्योंकि हमने बीटेक में अप्लाई किया इसलिए ये तीनों आप लोगों को
चुनना होगा और उसके साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट 6 में नॉट एप्लीकेबल रहेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ टिक करेंगे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ये जो भी है एंड सो ऑन इस पर टिक कर देंगे। एक बार फिर से आप लोगों को समझा दूँ कि अगर आप मानू में बीटेक को छोड़ के किसी और यूजी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सिलेक्शन करना होगा, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट स्लॉट में ये सिलेक्शन करना है और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बीटेक के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्लॉट में कुछ नहीं रहेगा, सब जगह नॉट एप्लीकेबल रहेगा और सेकेंड स्लॉट में आपको ये फिल करना होगा अगर आप सिर्फ बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप बीटेक और उसके साथ साथ कोई और यूजी कोर्स जैसे बीएससी बीए में अप्लाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्लॉट में ये रहेगा जो आपके सामने दिख रहा है और सेकेंड स्लॉट में इस तरह से सेलेक्ट किया रहेगा जो भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये करेंगे क्योंकि हमने बीएससी में भी अप्लाई किया है और बीटेक में भी अप्लाई किया है तो इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और उसके साथ साथ यहाँ स्लॉट टू में ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे यहाँ आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट इस पर टिक करके और उसके बाद सेव कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। अगर इसमें कोई गलती होगी तो अपडेट टेस्ट फॉर्म पे जाके फिर से आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद ये टेस्ट पेपर मीडियम, आप किस मीडियम में टेस्ट देना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जिस भी मीडियम में टेस्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो हम इंग्लिश में देना चाहेंगे तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, कौन से सिटी में आप देना चाहते हैं, ठीक है, पहले स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद सिटी, ठीक है। फिर दूसरा भी प्रेफरेंस क्या रहेगा आपका वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस अलग सिटी चुनना होगा, स्टेट तो वही है, सिटी अलग चुनना होगा नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। ये चुनने के बाद आपको फिर से सेव पे क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। फिर एक बार आप देख सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया, अगर गलत हो फिर से आप डेट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म पे जाके सेलेक्ट कर एडिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है, हमने जो सेलेक्ट किया है ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अपलोड डिटेल्स, डिटेल्स अपलोड करना है। यहाँ पर हम लोगों को अपलोड क्या करना होगा, फ़ोटो, ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर और टेंथ का या उसके इक्विवेलेंट जो है सो रिज़ल्ट या सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट यहाँ कर रहा है तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर टेंथ या उसके इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद हम लोग प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारा आपके सामने खुल के आ जाएगा, जितना भी एप्लीकेशन पूरा हमने फिल किया है अभी शुरू से लेके रजिस्ट्रेशन के बाद से लेके और लास्ट अभी तक जो किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो उसमें जो है सो चेक कर लेंगे जो जो सही होगा उस पर टिक करते चलेंगे जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ, और अगर कुछ गलत हुआ तो हम लोग जो है फिर से यहाँ अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाके इसको सही कर सकते हैं। या फिर ये जो जैसे प्रेजेंट एड्रेस में मान लीजिए गलती होगी तो यहाँ ये जो पेन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और इसको सही कर सकते हैं। तो दोनों में से जो तरह से आप जो है सो सही करना चाहें, अगर कुछ गलती है तो कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर एक जो है सो आपको वार्निंग मैसेज दिखाई देगा कि आप लोग एक बार फिर से चेक कर लें, अगर कुछ गलती है तो उसको सही कर लें, अगर नहीं करेंगे तो दोबारा ये सही नहीं होगा, सबमिट करने के बाद दोबारा फिर से आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा सावधानी से आप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सब कुछ सही है इसलिए मैं ओके कर रहा हूँ, तो यहाँ ओके हो गया रजिस्ट्रेशन पेमेंट। अब हम लोगों को पेमेंट करना है, तो पेमेंट जो है सो 6,500 यानी 1300 रुपया लगेगा टोटल दोनों स्लॉट का मिला के। उसके बाद जो है सो हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का जो तरीका है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के जरिए या कैनरा बैंक के जरिए या ICICI बैंक के जरिए या पेटीएम के ज़रिए, तो ये चार तरीके से आप कर सकते हैं पेमेंट हम लोगों को करना है। तो
हम लोग SBI के ज़रिए SBI नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं या फिर अदर बैंक के नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि SBI ऑनलाइन के जरिए अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो दूसरे बैंक के ज़रिए पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये एक पेमेंट मेथड है, ठीक है, लेकिन इसमें आप जो है सो किसी भी दूसरे बैंक के जरिए नेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कार्ड पेमेंट करना है अगर तो SBI का डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरे बैंक के भी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी UPI, गूगल हो, गूगल पे UPI हो, या फिर फ़ोनपे हो, या फिर अमेज़ोन पे हो, या जो भी है, किसी भी UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं मान लीजिए कि अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो अदर बैंक डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है सो यहाँ पूरा पढ़ लेना, देख लेना सब कुछ सही है। कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से एक बार आपके सामने ये सारा डिटेल्स आएगा, इसको फिर कन्फर्म कीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद यहाँ आपको कार्ड नंबर, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ कार्ड नंबर डालना है, ठीक है, कार्ड नंबर, उसके बाद एक्सपायर डेट, ईयर, उसके बाद जो है सो कार्ड होल्डर का नाम, CVV जो कार्ड के पीछे होता है, और ये जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ है इसमें टाइप करना है, और उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे और पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। मुझे पेमेंट नहीं करना है, मैं तो बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, आप लोग जब करेंगे तो इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लीजिएगा, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, अगर प्रिंट आउट निकालना हो तो प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह का एक कन्फर्मेशन पेज होगा जो आपके नाम से होगा। आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका कन्फर्मेशन पेज होगा, उसको भी प्रिंट करके मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो हार्ड कॉपी भी निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से आपका पूरा जो है एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस जो है कम्प्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।